सो गाइस चलो चलते हैं शिरडी के दर्शन करने। और मैं निकली इवनिंग 5 o'clock, मेरी ट्रेन थी मनमाड़, फट से ट्रेन भी आ रही है, मतलब यहाँ से टिकट भी ले ली। शिरडी की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इतना दूर है यहाँ से वापस फिर अंदर लग रहा है मनमाड़। मेरी ट्रेन आ गई है और अभी जस्ट मैं नागपुर की ट्रेन से उतरी और 6:30 अभी टाइम कितना हो रहा है पता नहीं, 15 मिनट के डिस्टेंस में ट्रेन का फासला था, तो फट से जाना है, फट से पहुँचना है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। टिकट ले ली और ये जो दूर है ना, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 6 में जाना है और 6 बहुत दूर है यहाँ से, सो भागो। पता नहीं रुकी कि जा रही, आई डोंट नो, बट टाइम तो हो गया था, अनाउंसमेंट हो रही थी, देखते हैं। शिरडी की बस यहाँ से ना गाड़ी, सॉरी ये आ गई है, फट से बैठना है इसमें, से बैठ जाओ। और लकीली ट्रेन में कोई भी नहीं था, पूरी ट्रेन खाली थी, सिर्फ कुछ कुछ लोग थे और मेरी जर्नी बहुत ही इजी गोइंग थी। सो यस शिरडी आ गया, सो चलते हैं और दर्शन करते हैं। सो मैं पहुंची 7 o'clock और आते ही ट्रेन से उतरते ही मुझे मिली बस, जो कि आश्रम के तरफ से हमेशा दिन भर चलती रहती है, आती जाती रहती है हर 10-15-20 मिनट में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं है। और उसके बाद फिर अपन चलते हैं। सो मैं पहुंच गई आश्रम, जिस आश्रम का नाम है साईं बाबा भक्ति निवास स्थान, जो कि सबके लिए है एकदम कम में, बहुत ही कम में। सबसे पहले चाय पीते हैं, चाय है यहाँ पे, चाय कॉफ़ी, चाय 10 रुपए की चाय मिलती है, उससे भी 2 गुना अच्छी चाय। उसके बाद मैंने ली चाय, तो इस आश्रम में रूम्स भी मिलते हैं, बट मैं रूम नहीं लेने वाली क्योंकि मुझे स्टे नहीं करना है इधर, तो मैं सिर्फ फ्रेश होने वाली हूँ। और सिर्फ फ्रेश होने के लिए यहाँ पे जगह अवेलेबल होती है सिर्फ 20 रुपए में। उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपकी डिटेल्स, नंबर, कितने लोग हैं, किस और कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी होती है। और ये है वो जगह है, जन्नत है, मतलब बहुत ही स्पेशियस है। लॉकर्स, इसमें से मेरा लॉकर ढूंढना है, कौन सा है, 50 नंबर का लॉकर ये है, यहाँ रहेगा मेरा सामान। और इट्स 10 o'clock और मैं हो रही हूँ रेडी, मैंने नहा लिया, ब्रश कर लिया, फ्रेश हो गई अच्छे से, सिर्फ 10 रुपये में, और कंफर्टेबल है, बहुत क्लीन है, सारी चीज़ें अच्छी है, ईजीली रेडी हो सकते हैं यहाँ पे, कोई गंदगी नहीं है, बाथरूम भी क्लीन है, नहाने के लिए भी टॉवल और साबुन भी होता है, वो सब कैरी करना होता है, बट बकेट और पानी की फैसिलिटी हर एक चीज़ अवेलेबल है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, जिसका बजट नहीं है तो वो फ्री में आना जाना। आप देख ही रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, सो दिस इज द थिंग। अब मैं रेडी होती हूँ और फट से निकलती हूँ क्योंकि बहुत धूप हो जाएगी, लाइन लगेगी, सो और मेरी ट्रेन भी फिर दूसरी मुझे पकड़नी है, इसलिए चलो रेडी। मैंने टिकली भी लगाई थी बट टिकली सूट नहीं हो रही, इसलिए मैंने टिकली निकालती हूँ। मैं जा रही हूँ अब दर्शन करने, फट से पहना है येलो 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 रहता है, येलो येलो रहना पड़ता है आजकल। वो गार्ड भैया थे तो उन्होंने बोला मुझे कि अभी नहीं जा सकते, अभी मंदिर क्लोज़ हो जाता है 11:30 और 1 बजे ओपन होता है, अभी 12 बजे की आरती होती है, तो आरती में बाहर वाले शायद नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं प्रिफर कर रही हूँ कि पहले मैं खा लूँ, कुछ भूख भी लगी है, 11 बज गए, पहले खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ दर्शन करने। तो ये है मेरा प्लान एज ऑफ नाउ, सो चलते पहले कुछ खाते। मेरी चप्पल जो है एक यहाँ पे उतारती हूँ मैं, एक चप्पल जो अपना हमेशा का रहता है पिकनिक, और एक चप्पल मैं रखूँगी थोड़ा आगे, मतलब इधर, ताकि कोई चोरी ना कर ले। वैसे मंदिर में कोई चोरी नहीं करता बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक रिस्क।
से मैं वापस सेम क्वांटिटी में चावल, दाल, मूंग ये सारी चीज़ें लेके आई, वापस मैं खाने वाली हूँ। टेस्टी है, मस्त है। देख रहे हो हालत मेरी है, अभी भी तो बोल नहीं सकती। सो गाइस, मैं गलत आश्रम में चली गई थी, मैं रूम वाले आश्रम में चली गई थी, मेरे को लॉकर वाले आश्रम में जाना था। उसके चक्कर में मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, मैं बस भटक रही थी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पूछते पूछते तो ऐसा हुआ मेरे साथ में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जाती हूँ मैं, और मैंने एक टैक्सी देखी अच्छे से फटफट फ्रेश होके 15 मिनट में टैक्सी पकड़नी है। सो चलो चलते हैं।